हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के बारे में पढ़ा था आज हम ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं तो इनिशिएशन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी एक बार ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ और अगर डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा इनिशिएशन जो स्टेप था ट्रांसक्रिप्शन का ये हम मेनली प्रो की बात कर रहे हैं इनके अंदर इनिशिएशन कैसे होता है जब आर एन ए पॉलीमरेज जो है आके प्रोमोटर से बाइंड करता है तो आर एन ए पॉलीमरेज है प्रमोटर से आके बाइंड करेगा और फिर क्या चीज होगी सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स होगा जिसे क्लोज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं अभी ये क्लोज कॉम्प्लेक्स जो होगा ये ओपन हो जाएगा तो ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसके बाद ओपन कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके अंदर हो क्या रहा है कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स है वो दोनों ओपन हो जाएंगे तो ओपन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है दो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बनता है है जिसे बोला जाता है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स टर्नरी कॉम्प्लेक्स इस टर्नरी कॉम्प्लेक्स में होता क्या है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आर होता है जो कि अभी बनना शुरू हुआ है जिसके दो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए हैं अभी हमने डिस्कस किया एंड इस आरएनए के अलावा उसके पास डीएनए होगा क्योंकि डीएनए के ही प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया है और साथ में क्या होगा एंजाइम होगा जो कि आरएनए पॉलीमरेज है अब इन सब चीजों से जो कॉम्प्लेक्स बना उसे हम टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन रहे बोल रहे हैं और यही टर्नरी कॉम्प्लेक्स है जो इनिशिएशन का एक आप बोल सकते हो कि एक सिग्नल होता है आपको एकदम से पता चल जाएगा टर्नरी कॉम्प्लेक्स अगर आपको दिखा तो आपको पता चल जाएगा इनिशिएशन हो गया है अब टर्नरी कॉम्प्लेक्स जो है उसके बनने के बाद इलोंगेशन स्टेप स्टार्ट होता है अब इलोंगेशन में ऐसी क्या चीज हो रही है तो इलोंगेशन में जैसे कि नाम से पता चल रहा है इलोंगेट होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए की चेन तो जो दो न्यूक्लियोटाइड्स पहले बने थे उनके साथ और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगे और एक कंप्लीट आरएनए स्ट्रैंड बनने की शुरुआत हो जाएगी आरएनए स्ट्रैंड जो यहाँ बनता है इसी प्रोसेस को इलांगेशन बोलते हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है आरएनए पॉलीमरेज जो है आरएनए पॉलीमरेज ये पहले सिर्फ इसने दो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए थे अब क्या है और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे डीएनए के साथ मिलके वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं तो जैसे मान लो ये एक डीएनए का सीक्वेंस है मेनली टेम्पलेट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड के ही कॉम्प्लीमेंट्री बनता है आर तो इस टेम्पलेट से यहाँ पे आर एन पॉलीमरेज ने बाइंड किया हुआ है दो न्यूक्लियोटाइड्स उसने ऐड कर दिए ये दो न्यूक्लियोटाइड्स हमने बना दिए अब और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने वाले हैं अब इसमें क्या हो रहा है कि जो आर एन पॉलीमरेज है उसे आगे की साइड मूव करना पड़ेगा इसे इस साइड को राइट साइड को मूव करना पड़ेगा ताकि और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाए तो वही प्रोसेस इलांगेशन में होती है देयर इज एक्सटेंशन ऑफ द ग्रोइंग आरएनए चेन आरएनए चेन जो है ये ग्रो करेगी जैसे कि ये टेम्पलेट था तो इससे और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे ठीक है और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है मान लेते हैं क्लियर है ये वाली बात अब इसमें क्या होता है आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो आर का ट्रांसक्रिप्शन है मैंने जैसे बताया था फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में होता है ठीक है तो इसके लिए जो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा इसकी क्या पोलैरिटी होगी तो इसकी पोलैरिटी होती है थ्री डैश टू फाइव डैश तो अगर हम इसे डिटेल में एक बार बना लेते हैं तो ये हमारे पास मान लीजिए कि टेम्पलेट स्ट्रैंड है है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसकी पोलैरिटी है थ्री डैश फाइव डैश इसके ऊपर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जो कि ओपन अप हो गए हैं हेलीकेज एंजाइम की हेल्प से तो दूसरा स्ट्रैंड हम बना नहीं रहे हैं यहाँ यहाँ आर पॉलीमरेज है ठीक है ये आर पॉलीमरेज है इसने इनिशिएशन में दो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए थे अब ये नेक्स्ट स्टेप में और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा ठीक है बट क्या चीज होती है कि ये जो न्यू स्ट्रैंड आर का बन रहा है ये बनता है फाइव डैश टू थ्री डैश डायरेक्शन में ठीक है तो यहाँ पे ये जो न्यू स्ट्रैंड बना है इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स न्यू ऐड होंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो ऐड हो रहे हैं वो हमेशा थ्री प्राइम एंड पे एड होते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑलवेज एडेड टू दी थ्री डैश एंड ऑफ दी आरएनए चेन एंड दिस फॉर्म्स कैसे डीएनए आरएनए हाइब्रिड कैसे डीएनए आरएनए हाइब्रिड बन रहा है ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ अब ये जो आर न्यू बन रहा है ये एक टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है यहाँ पे कुछ बॉन्डिंग हो रही है ठीक है तो इससे जो चीज बनी उसे बोलते हैं डीएनए आरएनए हाइब्रिड डीएनए आरएनए हाइब्रिड की फॉर्मेशन होती है एक और चीज जो यहां इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए वो ये कि डीएनए से आरएनए सारी चेन अटैच्ड नहीं होती है जैसे कि आप देख सकते हो आर एन ए पूरा मैंने ऐसे नहीं बनाया बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ बिल्कुल अटैच नहीं बनाया डी एन ए से क्योंकि आर एन ए जैसे जैसे बनता जाता है उसके कुछ थ्री टू फोर न्यूक्लियोटाइड्स ही अटैच रहते हैं यानी थ्री टू फोर न्यूक्लियोटाइड्स ही डी एन ए आर एन ए हाइब्रिड बना रहे हैं बाकी सब जो है वो रिलीज होते जाते हैं बाहर की साइड निकलते जाते हैं अब नेक्स्ट चीज आपको ये याद रखनी है कि हमने अभी पढ़ा Uh, ये जो ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन वाले ही स्टेप हम पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं प्रो का तो प्रो कैरियोड सच एस बैक्टीरिया इनके अंदर क्या होता है इनके अंदर इलोंगेशन में जो ये न्यूक्लियोटाइड्स के एडिशन का रेट होता है इस रेट को बोला जाता है रिएक्शन रेट तो यहाँ जो रिएक्शन रेट होता है ये रेट होता है फोर्टी न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड ये काफी इंपॉर्टेंट है याद रखना 40 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड के हिसाब से यहाँ पे रिएक्शन हो रहा होता है देयर आर बीइंग अटैच्ड टू दी डीएनए पर सेकेंड इन केस ऑफ बैक्टीरिया दैट इज प्रो और ये जो रिएक्शन रेट हम बता रहे हैं ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एंजाइम की एफिशियंसी चेंज होती है तो रिएक्शन रेट जो होता है ये यह यहां हमने बताया थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस का फॉर बैक्टीरिया अब क्या चीज होती है कि हमने बोला कि जो हेलिक्स था ये डीएनए हेलिक्स है अब इस डीएनए हेलिक्स में क्या चीज हो रही है इस डीएनए हेलिक्स में जो आरएनए बन रहा है कुछ न्यूक्लियोटाइड्स तो यहाँ पे अटैच है डीएनए के साथ और कुछ जो है वो बाहर की साइड निकल गए हैं क्योंकि वो फॉर्म हो चुके हैं अब इसमें क्या होता है कहीं कहीं पे आप देख सकते हो कि अनवाइंडिंग हो रखी है डीएनए की इस रीजन पे डीएनए अनबाउंड है मान लो हैलिकेज ने यहाँ ओपन कर दिया है डीएनए को तो इसकी ओपनिंग की वजह यह से जब ये यहाँ से ये चीज खुलेगी डीएनए के स्ट्रैंड खुलेंगे तो आगे की साइड क्या होता है पॉजिटिव सुपर कॉइल्स बन जाते हैं और कॉइलिंग हो जाएगी आगे वाले रीजन में जैसे यहाँ पे ये यह ओपनिंग हुई हेलिक्स की तो आगे वाले रीजन में भी कॉइलिंग हो जाएगी पीछे वाले रीजन में भी ज्यादा कॉइलिंग हो जाएगी डीएनए की तो ये जो आगे वाले रीजन में कॉइलिंग होती है इसे बोलते हैं पॉजिटिव सुपरकॉइल्स पॉजिटिव सुपरकॉइल्स पॉजिटिव सुपरकॉइल्स बन जाते हैं और लोअर वाले रीजन में जो है पीछे वाले रीजन में क्या बनेंगे नेगेटिव सुपरकॉइल्स बनेंगे नेगेटिव सुपरकॉइल्स तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉइल्स जो होते हैं ना ये इस पूरे डीएनए को खराब कर सकते हैं तो इन सुपर कॉइल्स को रिमूव करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इनके रिमूवल के लिए ही कुछ एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स का क्या नाम है ये या आपको याद रखना है सो गायरेज इज दी विच रिमूव कॉइल्स तो गायरेज पॉजिटिव कॉइल्स को रिमूव करता है

कॉर्डिसेपिन कॉर्डिसेपिन नाम का एक केमिकल होता है एक सब्सटेंस होता है विच हैज द एबिलिटी टू इनहिबिट द इलांगेशन स्टेप सो इट इज नोन एज द इनहिबिटर इनहिबिटर बोला जाता है इसे किस चीज का ऑफ इलांगेशन इनहिबिटर ऑफ इलांगेशन इलांगेशन को इनहिबिट करने वाला सबस्टेंस कॉर्डिसपिन है ये कैसे इनहिबिट करता है इलांगेशन को तो आपको याद रखना है कि जो ए न्यूक्लियोटाइड होता है जिसे हम एडिनिन बोलते हैं एडिनिन जो है नाइट्रोजेनस बेस जिसे आप बोल सकते हो एडिनोसिन वैसे इसे प्रॉपरली बोलते हैं एडिनोसिन एडिनोसिन जो न्यूक्लियोटाइड है इसका एनालॉग होता है ये एनालॉग मतलब कि उसकी तरह दिखने वाला एक सबस्टेंस है उसकी तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है बस इसमें क्या होता है देर इज ऑफ थ्री डैश ओ एच ग्रुप सो देर इज नो ओ एच ग्रुप एट थ्री डैश पोजिशन ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड दिस केमिकल जिसकी वजह से क्या होता है थ्री डैश एंड पे फर्दर न्यूक्लियोटाइड एड नहीं हो पाते हैं और इलोंगेशन स्टेप जो है वो इनहिबिट हो जाता है क्लियर है तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन की इलांगन के लिए थ्री डैश ओ एच ग्रुप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ये एबसेंट होगा सो देयर वुड बी नो इलोंगेशन नो फर्दर इलोंगेशन ऑफ द आर एन ए चेन इलोंगेशन वहां पे फर्दर नहीं होगी क्लियर है तो आज हमने इलांगेशन स्टेप के बारे में डिस्कस किया है आगे आने वाली वीडियो में हम टर्मिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे प्रो कैरियोट्स में टर्मिनेशन स्टेप कैसे होता है आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक्स अलॉट